गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है त्रिवेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं कनिकाज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और आज हम ड्रोन की हाइट चेक करेंगे और सेंसर्स को चेक करेंगे। ये है DJI का एयर 3, जिसके अंदर ओमनी सेंसर आता है, यानी कि सभी तरफ सेंसर है, फ्रंट में, बैक में और दोनों साइड में भी। तो हम इसके इन्हीं सेंसर्स को चेक करेंगे, क्या ऑप्टिकल आने के बाद ये काम करता है या नहीं करता। अभी बिल्कुल स्टेबल खड़ा है और ये जो निशान दिख रहा है ना, ये है होम पॉइंट अपडेटेड का। अभी मैं जिस लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे मोस्टली फिल्म्स की शूटिंग होती है, तेलुगु या साउथ फिल्म्स की शूटिंग होती है। और यहाँ पे हमने देखो बाईपास किया हुआ है, ये हमारा ड्रोन है, इसको हम ले जा रहे हैं आगे। ये देखो, तो ड्रोन नीचे गया। ये एक और ऑब्स्टिकल है, यहाँ पर आगे बनाना ट्री है, यहाँ पर भी चेक करेंगे। ये देखो सामने जो है इसके पेड़ है, क्या ये इसको बाईपास करेगा? यस। अभी हमने आगे की तरफ देखा था, तो क्या पीछे की तरफ भी सेंस होगा, ये बाईपास करके जाएगा कि नहीं जाएगा? और ड्रोन को हम घुमा लेते हैं अपनी तरफ। अब ये पीछे की तरफ से हम इसको मूव करेंगे, तो क्या ये जाएगा बाईपास करके? यस, ये देखो अभी भी वो बाईपास करके गया है। ये देखो वो अपने आप सेंस करके ऑब्स्टिकल्स को बाईपास कर रहा है, तो ये पीछे से भी बाईपास करता है। अब हम इसको साइड से फ्लाई करेंगे, साइड से बाईपास करेगा। की तरफ से देख लिया कि बाईपास तो ही करता है। अब एक बार हम चेक करेंगे इसकी हाइट, 79% है, कितनी दूर जा सकते हैं। हमें यहाँ पर हाइट 120 मीटर शो कर रहा है, पर मैंने 1000 मीटर पूरा कर दिया है, 1000 मीटर ले जाते हैं इसको। अभी 31% बैटरी है इसमें और ये चलते हैं। यार इसमें नहीं आएगा। कितना खाना है? 1000 किलोमीटर को दायपे ना। 1000 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। हाँ ना, ये इतना ना दे। प्राइस, हाइट, प्राइस, प्राइस अप्रोक्स कहाँ गया? भाई आओ उधर उधर दे। ये वो 1,90,000, 1,09,000, 10 कम 2 लाख। हाँ 10 कम 2 लाख। वो ऑपरेटिंग करने का थोड़ा हार्ड रहता क्या? हाँ हार्ड, थोड़ा हार्ड रहता। सीखना आपको आना ही दे वो सीधा देन गुरुजी दिस तू रहना ही दे। ये साई कत अधिकारी साई वो एक कहाँ है? नीचे तो ले आओ। हाय का नहीं ये साई नीचे लो उसको। ये साई ऐसा ही मैं वीडियो में दिखा का तू गांव सारी आ जाऊंगा। वीडियो में तो दिख रहा है यार, हमको भी दिखा सकते हो। उसको जूम किया हुआ है ना, और जूम करोगे तो और दिख जाएगा। बहुत हल्के से दिख नहीं वो ना। वीडियो किस में आ रहा है उसका? वीडियो इसमें, उसमें भी आ रहा है, इसमें भी। ये और देख रहे हैं, ये और देख, खाली सारे हैदराबाद दिखा रहे हैं। इधर अब नहीं दिख रहा है, भाग गया। प्रभु ये क्या हुआ? पांच बस, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा यहाँ की लॉज के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे रिटर्न टू होम कर रहे हैं। ये ऊपर से अपने आप क्लियर देख रहा है यहाँ पे। अब वो अपने आप आ रहा है नीचे आ रहे। हाँ उसको मालूम है कहाँ आना है। अरे किधर है? मुझे नहीं दिख रहा है। आ रहा है, आएगा आएगा। कैसे है को? ये सही, ये उसने अपडेट कर दिया ना, मेरे को यहाँ आना है। अब वो अपने आप आएगा, बस ये बर्ड्स बीच में ना आए। हेलो आता नहीं, स्पीड में आता। आओ जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, वो आ रहा है। ये आ रहा, इधर आ रहा है। कहाँ? ये देखो आ रहा है, ये देखो उधर उधर कहाँ आ रही है? उधर जा रही, उधर जा रही, तुम्हारे साथ उधर रहा। अच्छा है सर, दिख रहा नहीं? उधर आ रहा, देखो उधर हवाला गंभीर की
इधर आ रहा इसके बाद ये ऑटोमेटिकली इसने लैंडिंग कर ली थी और ये अपने आप ही वहां से जो उसने शो भी किया ना रिटर्न टू होम भी अपना मैक्स एल्टीट्यूड पहुंचने के बाद वो भी ऑटोमेटिकली शो किया था, बस मैंने रिटर्न टू होम पे प्रेस करके उसको वापस बुला लिया था। और यहाँ पर नीचे पेड़ आ गया है, तो पेड़ आने के बाद भी ये सेंस करके अपने आप ही यहाँ रुक गया कि भाई यहाँ पे कुछ है। अभी यहाँ पर देखो एक वो आएगा, ये देखो वार्निंग आ गई, तो यहाँ पे मैंने इसको ओके करा तो ये फिर इस तरीके से रुक गया और फिर मैंने इसको दोबारा उठा के दूसरी तरफ करा। कहने का मतलब ये है कि इसके सेंसर्स जो हैं वो अच्छे से काम करते हैं। वैसे 120 मीटर्स का होता है इंडियन गवर्नमेंट का भी या काफ़ी सारे कंट्रीज में कि आप 120 मीटर्स की हाइट तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं किया तो कोशिश 1000 मीटर की हाइट तक था, लेकिन 500 मीटर से ऊपर जो है ये गया ही नहीं। मैक्सिमम एल्टीट्यूड 500 मीटर ही यहाँ पे हुआ। ये थी आज की वीडियो और आगे की वीडियोस भी ड्रोन के ऊपर जल्दी आएंगी और इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वीडियोस आएंगी। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं किसी को नॉलेज भी मिल रही है और एंटरटेन भी हो रहा है। थैंक यू सो मच।